हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर मिल चुका है। अभी अभी ये पेपर मिला है, मुझे एक जन ने स्कूल से फ़ोटो भेजी है, ठीक, स्कूल से आया है पेपर। तो आप लोग कुछ नहीं करना, इस पेपर को कम्प्लीट जरूर समझना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो 13 सितंबर का जो पेपर है वो हिंदी का होने वाला है। तो कक्षा 9वीं वाले आप लोग इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट जरूर देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है। 10 से 15 मिनट में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कल जो 13 सितंबर को जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है, क्या क्या उसमें आने वाला है, किस पे आवेदन पत्र आया है, किस पे निबंध आया है, और संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको सामने आंसर सहित बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। जैसा कि मैंने इंग्लिश का बताया था तो काफ़ी बच्चे की हेल्प हुई है, जो जो मैंने बताई थी मोस्ट टाइम भाई फंसा था, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसी प्रकार से मैं हिंदी का भी बता दूँ। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। जी, सही विकल्प चुनकर लिखेंगे जो 6 नंबर आपके सामने है। पहला लिखा है कविदास की जी की रचना है। तो कविदास की रचना कैसी है, तो आप लोग सही रूप से कौन सी रचना, कविदास की रचना बीजक है। ठीक, दूसरा लिखा है कमायनी किसकी रचना है, तो कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीसरा है छुरी के साले का नाम क्या था, छुरी के साले का नाम था गया, यानी इसका ऑप्शन आपका सही है। चौथा लिखा है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डांडे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप लोग 5वां, जिसमें लिखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो हम लोग संधि कहते हैं। ठीक, 5वां, 6वां है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं महन साहसी। ठीक, साहसी। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पूर्ति है जो आपके 6 नंबर में है। 6 नंबर के रिक्त स्थान हम करेंगे आप लोग सामने। जैसे पहला आपके सामने दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, कैसे होते हैं, पीड़िता भी होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लिखा मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो क्या माने जाते हैं, साहब, तो दूसरी बात देंगे आप लोग साहब। तीसरा बेशब्द शब्द से बनाए जाते समय ऊपर लगते हैं कहलाते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, उपसर्ग। प्रेमचंद का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, बनारस में, बनारस। बीरस का इस्तेमाल होता है, बीरस का इस्तेमाल क्या होता है, उत्साह होता है। तो आप लोग सामने 10 10 रस होते हैं, 10 के इस्तेमाल सीख के ही जाना आपको। ठीक, 6वां लगा आप लोग सामने जायसी प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कम्प्लीट करा दी मैंने। चलिए पढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य के उत्तर देना है, जो आपके सामने 6 नंबर में है। पहला लगा छायावत के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, तो देखो पहले आपके सुमित्रानंदन पंत। ठीक, लिख लेंगे आप लोग। फिर दूसरा आप लोग सामने विधि, फिर दूसरे हो जाएंगे आपके कौन, जयशंकर प्रसाद, दूसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, तीसरे हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा। ठीक, चौथे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी न्याला। ठीक, तो पहला हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी न्याला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 4 स्तंभ कवि बता दिए मैंने नाम। चलिए दूसरा, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो विदेशक कहलाते हैं। ठीक, विदेशक। तीसरा लगा है आंतरिक्ष यात्रियों में क्या होनी चाहिए, तो 40 वर्ष से कम। ठीक, चलिए अगला आपके सामने 14, पाठ में बाढ़ के पानी में क्या कहा गया है, तो कहा गया है मृत्यु के तरल दूत, मृत्यु के तरल दूत। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 4 तक हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला 5वां, जैसे बुरे समय के लिए पैसा बचा कर कौन रखता है, तो बुद्धिमान रखता है, तो लिखोगे बुद्धिमान। 6वां लगा है रस खान किस शक्ति भक्ति शाखा के कवि हैं, तो रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आपको वो है कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ हैं, सही जुड़ियाँ आपके सामने बनाने वाले हैं। जैसे लिखा पहला वाक, तो वाक लगा किससे, चौथे वाले से, इससे। वाक्यम रसाक्तम वाक्यम, तो ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि, लसा की ओर यानी कि चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने 5वां, राहुल साक्रांतन, इस 5वां इस जल प्लमय में, तो 5वें हो जाएगा दूसरा वाला। 6वें का सर जाइन न्यूटन का हो जाएगा पहला। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैंने सही जुड़ी हुई आपकी कम्प्लीट करा दी है। पढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग 7 से पहले का इस जल प्रवाह में लेखक तैरना जानता था, तो हो जाएगा क्या, असत, तो पहले का हो जाएगा असत। मह की खाना मुहावरे कराता है मह में खाना, तो दूसरा भी आपका असत।
तीसरा मेजबान एक लोग कहता है तो हो जाएगा सत्य। चौथा राम भक्ति सागर प्रमुख कवि सूर्यदास है तो हो जाएगा चौथे हो जाएगा असत्य। पांच महाकाव्य में एक ही सहायक होता है तो हो जाएगा सत्य। छठवां हेलन केरल परिस्थितियों में हार नहीं मानी जाती है ये सत्य। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर सत्य सत्य भी मैंने कम्प्लीट करवा दी है। जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूँ तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसकी सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया उस पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com। ठीक है, तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर वन प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्पॉट पर आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024। ठीक है, तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए, अगर आप कक्षा नौवीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा दसवीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तारीख में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते किस तारीख का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, इस प्रकार से टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है। ठीक है, सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लगा अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं या अथवा में जो दो नंबर दिए गए हैं, तो इन दो में से आप कोई एक कर सकते हैं, चाहे अथवा ना कर सकते हैं, चाहे आप पूरा कर सकते हैं। 7वां है आप लोग सामने यहाँ पर जी वाला, पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप लोग सभी लोग लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा सरल है। ठीक, फिर लगा 8वां, निम्नलिखित लगे शब्दों का संधि विच्छेद करना है, तथा तथा धन अब लगा तो इसका हो जाएगा तथे, पौ धन आवक लगा तो हो जाएगा पावक। ठीक, वो अगर मैंने कहा विलोम शब्द बनाते थे, ईमानदार का हो जाएगा बेईमान, हानि का हो जाएगा लाभ। तो विलोम शब्द जानते हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं उल्टे। चलिए फिर क्वेश्चन आप लोग सामने 9वां है, भक्ति काल को सूर्योग काल क्यों कहा जाता है, दो नंबर में दिया गया है। मान सुबह से कभी का क्या है, दो नंबर में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पढ़ के जाना। अगला देखते हैं, अगला आप सामने 11वां, कवित्ति का घर जाने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, अगला एकांकी की दुविशेषता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा सरल ही पेपर आया, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक आंसर पेशी दी जाएगी, जिसके आंसर आप लोगों के सामने उसी में से छांट के लिखना है, संदर्भ समय रहेगा। और आपके सामने एप्लीकेशन भी सीख के जाने, एक एप्लीकेशन आपको छुट्टी पर सीख के जानी है। चलिए मैं बताता हूँ आगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक, तो एक तो एप्लीकेशन सीखने के जाने में आवेदन फिर से जाना छुट्टी पर, दूसरा हो जाएगा आपका स्थानांतर प्रमाणपत्र। तो इन दो पर काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट, इन दो में से कोई एक ना आ जाएगी। ठीक, चलिए निबंध की बात करते हैं, तो निबंध आप लोग सामने यहाँ पर प्रदूषण विज्ञान के चमत्कार मेरा सब पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने क्लास नंद का हिंदी का पेपर पूरा समझा दिया है। अब आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का पेपर भी मैं लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग जितने लोग यहाँ तक हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि संस्कृत का पेपर मैं ला रहा हूँ असली वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।